सर एक HNDFDS हिंदुस्तान फूड्स है, HNDFDS या हिंदुस्तान, हाँ जी यही बोला। जी देखिए, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसका वीकली चार्ट देखना पहले पसंद करूंगा। तो वीकली चार्ट पे तो कुछ खास नहीं है। अगर ट्रेडिंग के लिए हम इसका वर्ल्डली चार्ट देखते हैं तो इसका एक नीरेस्ट सपोर्ट बनता है, वो है 652 रुपए का, 652 का। तो लग रहा है कि 652 तक तो एक बार ये स्टॉक आना चाहिए और फिर वहां से देखते हैं कि ये क्या अपनी करवट लेता है। मतलब अभी तो डाउन ट्रेंड में है लगातार, ये स्टॉक 732 रुपए से 662 रुपए आ चुके हैं। मुझे लग रहा है 652 रुपए तक ये स्टॉक और भी ज्यादा नीचे आ सकता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं और मैं इसका थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो कुछ खास कंफर्मेशन है नहीं इसमें। तो मुझे बस यही लग रहा है कि 652 तक ये स्टॉक आ सकता है, वहां पे फिर आप चाहे तो अपनी कोई पोजिशन बना के चल सकते हैं। अगर मेरे पास निचले लेवल से खरीदारी है, 450 के आसपास से है खरीदारी, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर ही हूं मैं। मेरे हिसाब से तो फिलहाल आपको एक बार अभी यहां से निकल जाना चाहिए और जब थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वहां से बाइंग कर लेना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत अच्छा है तो फिर 10-20 पॉइंट की गिरावट से मेरे को लगता नहीं आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप फिर बाइंग है तो बाइंग बना के चलिए। और जब मेरे हिसाब से तो स्टॉक को, जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स होते हैं वो तो एक ऐसे देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारा मेरा पोर्टफोलियो में देखता नहीं कितना परसेंट गिर गया कितना गिर गया, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो वो प्रॉफिट में ही रहता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपके पास स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो उसे देखना बंद कर दीजिए, उसके उसके बारे में पूछना बंद कर दीजिए। क्या होता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट हम फिर ट्रेडर बन जाते हैं कि अब किसी ने बोल दिया कि ये 652 तक आ सकता है और आ भी जाएगा, आप यहाँ से पोजिशन काट के 652 ले लेंगे, बट आप सोच रहे कि हाँ मैं स्मार्ट हूं, बट कहीं ना कहीं आपकी फिर जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में बदल जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्टॉक 600 से 6000 हो जाएगा, बट आपके हाथ में स्टॉक नहीं रहेगा। ये है इंसान फूड्स पे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक राय।